संविधान जागर समिति बनी हुई है। ये संविधान जागर समिति में हर सोच के, हर पार्टी के अलग अलग लोग हैं जो इसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि इस देश का संविधान ने जो हर आदमी को एक मौलिक अधिकार प्रदान किया वो उसके हमेशा रहे। उसी के साथ साथ आज देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं और NRC, NPR और CA, ये जो कानून हम लोगों पर, इस देश के वासियों पर थोपा जा रहा है और मनमानी तौर पर तरीके से थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ़ में जो लोग अहिंसा से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उनको दबाने का, कुचलने का काम जिस तरह से हो रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, उनको गोली मारो, वो घर में घुस के बलात्कार करेंगे, ये जिस तरह से कहा जाता है उसी तौर पे हम हिंदुस्तान के लोग, हम भारतीय लोग, हमें महसूस हो रहा है कि हमको ये लग रहा है कि ये असंवैधानिक, हर आदमी को संविधान ने अपना प्रोटेस्ट करने का हक दिया हुआ है और वो उसका इस्तेमाल करे और शांतिपूर्ण तरीके से करे। जस्टिस बोबड़े जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस देश में शांति नहीं बन जाती उस वक्त तक मैं किसी भी याचिका को सुनने के लिए, उन्होंने मना कर दिया पहले शांति करने के लिए कहा, और उसके साथ साथ में उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि इस तरह का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन कानून ये बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और इसके ऊपर बहस ऐसा हो, कह रहे हैं कि इसके पहले कानून बदले, ऐसा नहीं, इसके पहले भी कानून बदले मगर आज क्या ज़रूरत पड़ी। तो इस देश में वातावरण शांतिपूर्ण हो और जो मानवीय अधिकार है, जो संविधान की रक्षा करने के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि संविधान का रक्षा हो, मानवीय अधिकारों का रक्षा हो, इसके लिए हम एक मानवीय श्रृंखला 30 जनवरी को, जिस दिन इस देश के महात्मा गांधी का खून हुआ था उसी दिन को शाम को गांधी पुतले से लेके जिन्होंने हम लोगों को संविधान दिया है वो संविधान का जागर लोगों में बना रहे, इसके लिए एक मानवीय श्रृंखला का आयोजन हम लोगों ने 30 जनवरी के लिए दिन किया हुआ है।